सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है। पिटीशन में लिखा गया है कि लाखों लोग मजबूरी में ऐसा फ्यूल खरीद रहे हैं जिसे उनकी गाड़ियां संभालने के लिए बनी ही नहीं है। सोचिए, पेट्रोल पहले से महंगा है, सर्विस और मेंटेनेंस पहले से जेब पर बोझ डाल रहा है, और सरकार ने ये फैसला ले लिया कि पूरे देश में पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ E20 पेट्रोल मिलेगा, यानी हर लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर। लेकिन इस रोल आउट ने सीधे आम आदमी को मुसीबत में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस पिटीशन ने तीन बड़े मुद्दे उठाए। सबसे पहला ये कि जानकारी छुपाई गई। पेट्रोल पंप पर कहीं साफ नहीं लिखा होता कि नोजल से निकलने वाला फ्यूल E20 है या कुछ और। न अलग नोजल, न अलग टैंक, कस्टमर अंधेरे में है। दूसरा, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। US और यूरोप में इथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी E0 हमेशा अवेलेबल है। वहाँ कस्टमर अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्यूल चुनता है, लेकिन इंडिया में चॉइस ही खत्म कर दी गई। और तीसरा ये कि कंज्यूमर का हक छीना गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि हर बायर को इन्फॉर्म चॉइस करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ लोगों से उनका ये हक छीन लिया गया। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में तीन डिमांड्स रखी हैं। पहला कि पेट्रोल पंप्स पर इथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी E0 वापस उपलब्ध कराया जाए। दूसरा कि हर पेट्रोल पंप पर इथेनॉल परसेंटेज क्लियरली लिखा जाए। और तीसरा, वारंटी और इंश्योरेंस से जुड़े नियम साफ और कस्टमर फ्रेंडली बनाए जाए। यानी सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि क्या कोई भी पॉलिसी टिक सकती है अगर उसे लोगों से छिपाकर थोप दिया जाए और पूरा रिस्क कंज्यूमर्स को ही उठाना पड़े। इस वीडियो में डिटेल में समझिए इस E20 के बैकलैश को। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी गाड़ियां इस E20 फ्यूल को झेल सकती हैं? अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियां सिर्फ E10 फ्यूल यानी 10% इथेनॉल तक चलाने के लिए डिजाइन की गई थी। सिर्फ अप्रैल 2023 के बाद आने वाले मॉडल्स को ही E20 कॉम्पेटेबल बनाया गया। यानी आज सड़क पर चल रही लगभग 90% गाड़ियां E20 के लिए बनी ही नहीं है। ग्राउंड पर इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। वर्कशॉप्स और सर्विस सेंटर्स में लगातार कंप्लेन आ रहे हैं। इंजन्स में कोरोजन हो रहा है, फ्यूल सिस्टम पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं, सील्स और गास्केट्स टूट रहे हैं। कार ओनर्स कह रहे हैं कि उनका एवरेज 6-10% तक गिर गया है। 2019 से 2021 के बीच वाले मॉडल्स रफ चल रहे हैं और बार बार वर्कशॉप जाना पड़ रहा है। टू व्हीलर्स ओवरहीटिंग और डैमेज झेल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मेटल्स और रबर पार्ट्स को जल्दी घिस देता है। जो गाड़ियां इसके लिए बनी ही नहीं थी उनमें ब्रेकडाउन लगभग तय है। अब सवाल है कि अगर गाड़ी खराब हुई तो बिल कौन देगा? गवर्नमेंट? इसके लिए कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। ऑयल कंपनीज, उनका कहना है कि ब्लेंडिंग उनकी ड्यूटी है, डैमेज उनका प्रॉब्लम नहीं है। कार कंपनीज, उनका कहना है कि अगर मॉडल E20 कॉम्पेटिबल नहीं था तो वारंटी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। और इंश्योरेंस कंपनीज, वो क्लेम्स रिजेक्ट कर देती हैं और रीजन देती हैं ये वियर एंड टियर है या मिसफ्यूलिंग। सरकार कहती है कि इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन कोई रिटर्न रूल मौजूद नहीं है। ना इंश्योरेंस कंपनी लीगली बाउंड है और ना ही मैन्युफैक्चरर। यानी सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो रिपेयर का पूरा खर्चा आपकी जेब से जाएगा। वारंटी ऑटोमेटिकली रिस्क पर है और इंश्योरेंस भी क्लेम डिनाई कर सकता है। सरकार कहती है कि E20 पेट्रोल से पॉल्यूशन घटेगा और हवा साफ होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी आसान नहीं है। लैब टेस्ट्स में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल इमिशंस को कम दिखा सकते हैं, लेकिन इंडिया की सड़कों पर रियल वर्ल्ड कंडीशंस होती हैं। हर जगह ट्रैफिक जैम्स, खराब रोड कंडीशंस और ड्राइविंग पैटर्न्स जिसमें बार बार ब्रेक और एक्सेलरेशन शामिल हैं। ऐसे हालत में इथेनॉल का कंबशन पूरा नहीं हो पाता और इसका नतीजा ये होता है कि टेल पाइप से कार्बन मोनोक्साइड यानी CO और हाइड्रोकार्बन यानी HC एमिशंस ज्यादा निकलते हैं। यानी पॉल्यूशन घटने के बजाय कई जगह बढ़ सकता है। माइलेज पर भी इसका सीधा असर है। इथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब है कि गाड़ी E20 पर उतनी दूरी तय नहीं करेगी जितनी E10 या E0 पर कर सकती है। कस्टमर्स पहले ही वर्कशॉप्स और फोरम में कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका एवरेज 6-10% तक गिर गया है। तो सवाल यही है, जब माइलेज गिर रही है और इनकम्प्लीट कंबशन से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे कहा जा सकता है? यही रीजन है कि कई एक्सपर्ट्स इसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, एनवायरनमेंट के नाम पर दिखावा। सरकार बार बार कहती है कि ब्राजील और US जैसे देश इथेनॉल ब्लेंडिंग में आगे हैं, लेकिन यह कंपैरिजन ही पूरी तरह से मिसलीडिंग है। ब्राजील की अगर बात करें तो वहाँ ज्यादातर गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं। वो सिर्फ E20 नहीं बल्कि E85 तक के ब्लेंड्स पर आराम से चल सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डिकेड से इथेनॉल पर बेस्ड हैं।
यूएस और ईयू में इथेनॉल ब्लेंडिंग रोल आउट हुआ, लेकिन इथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी E0 हमेशा अवेलेबल रहा। पंप्स पर अलग अलग नोजल होते हैं, क्लियर लेबलिंग होती है और कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। लेकिन इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मार्केट में नहीं है। पेट्रोल पंप्स पर ना कोई क्लियर लेबलिंग है, ना अल्टरनेटिव ऑप्शन, अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं किया गया। तो सीधा सवाल उठता है, जब इंडिया का पुराना व्हीकल फ्लीट, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर अवेयरनेस का स्तर ब्राजील और यूएस जैसा नहीं है, तो फिर कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? सरकार लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि दुनिया ऐसा कर रही है तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि इंडिया के हालात बिल्कुल अलग है। सरकार का टारगेट है कि आने वाले सालों में ब्लेंडिंग को और बढ़ाकर E27 तक ले जाया जाए, लेकिन जब E20 रोल आउट ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो E27 प्रैक्टिकली और भी बड़ा खतरा बनेगा। व्हीकल डैमेज और बढ़ेगा, जो गाड़ियां अभी E20 से स्ट्रगल कर रही हैं, वो E27 पर और जल्दी ब्रेक डाउन करेंगी। इंश्योरेंस और वारंटी डिस्प्यूट्स मल्टीप्लाई होंगे, कस्टमर और कंपनीज के बीच लिटिगेशन का बोझ और बढ़ेगा, कंज्यूमर बैकलैश होगा, माइलेज गिरने और रिपेयर बिल्स बढ़ने से पब्लिक एंगर और बढ़ेगा। और अगर कोर्ट ने E20 को ही लीगली क्वेश्चनेबल मान लिया तो E27 का रोल आउट प्रैक्टिकली असंभव हो जाएगा। ये साफ दिखा रहा है कि जल्दबाजी में इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का मतलब होगा ज्यादा नुकसान और ज्यादा बैकलैश। सरकार बार बार कहती है कि इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है। अगर ये सच है तो फिर पेट्रोल की कीमतें आम आदमी के लिए कम क्यों नहीं हुई? रिटेल प्राइस वही ऊंचा रखा गया। इसका असली फायदा सिर्फ दो प्लेयर्स को मिला है। पहला है शुगर इंडस्ट्री और इथेनॉल प्रोड्यूसर्स। इथेनॉल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सोर्स शुगर मिल्स हैं। E20 रोल आउट के बाद इन मिल्स को गारंटेड मार्केट मिला, डिमांड अपने आप बढ़ी और कॉर्पोरेट शुगर लॉबी की जेब भर गई। और दूसरा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है, लेकिन पंप्स पर पेट्रोल की कीमत वही रखी गई, कॉस्ट घटी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया और नुकसान वो सिर्फ कंज्यूमर का हुआ। कस्टमर वही पैसा दे रहा है लेकिन फ्यूल ऐसा मिल रहा है जिससे माइलेज गिर रहा है, इंजन पर रिस्क बढ़ रहा है और मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा खर्चा उसकी जेब से निकल रहा है। सरकार ने E20 रोल आउट को बेचने के लिए बड़े बड़े स्लोगन्स दिए। एनवायरनमेंट का नाम लेकर कहा गया कि ये एक ग्रीन इनिशिएटिव है। फार्मर्स का नाम लेकर कहा गया कि किसानों की जेब भर जाएगी। नेशनलिज्म का नाम लेकर कहा गया कि इंपोर्ट्स घटेंगे और इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा। लेकिन सच सामने आया तो ये सारे स्लोगन सिर्फ खोखले निकले। पॉल्यूशन घटाने की जगह कई जगह एमिशंस और बढ़ गए। छोटे किसान वैसे ही परेशान रहे जबकि कॉर्पोरेट शुगर मिल्स और इथेनॉल प्रोड्यूसर्स मोटी कमाई कर रहे हैं। और जो एनर्जी इंडिपेंडेंस का नारा था वो बस किताबों और भाषणों में रह गया, क्योंकि असल में जनता को न चॉइस मिली न कोई प्रोटेक्शन। असलियत यही है कि ये रोल आउट जनता के लिए नहीं था, ये सिर्फ ऑप्टिक्स और दिखावे की राजनीति थी। एनवायरनमेंट और किसान का नाम आगे रखकर असली फायदा दे दिया गया कॉर्पोरेट्स और ऑयल कंपनीज को। सुप्रीम कोर्ट की PIL इस बात का सबूत है कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और ये बैकलैश यहीं नहीं रुकेगा। इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होंगे तो और लोग IRDA और कोर्ट्स में जाएंगे, वारंटी डिस्प्यूट्स कार कंपनीज और कस्टमर्स के बीच बढ़ेंगे, कंज्यूमर फोरम्स और हाई कोर्ट्स में मास पिटीशन दाखिल होंगे, माइलेज गिरने और रिपेयर बिल्स बढ़ने का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। और जब जनता की जेब पर असर पड़ता है तो वो सरकारें पलट देती हैं। अब सोचिए अगर कल आपकी गाड़ी E20 से खराब हो जाए तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? न सरकार, न कार कंपनी, न इंश्योरेंस, अकेले आप। अगर आप भी मानते हैं कि ये फ्यूल पॉलिसी जनता के साथ अन्याय है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।